Dear students, today we are going to learn English 3.1 time. ये एक कविता है, पोएट्री है. इसको now I am going to read poetry. You listen carefully. How many seconds in a minute? 60 and no more in it. How many minutes in an hour? 60 for sun and south. How many hours in a day? 24 for work and play. How many days in a week? 7 both to hear and speak. How many weeks in a month? 4 as the swift moon runs. How many months in a year? 12 the almond makes clear. How many years in an age? 100 says the sage. How many ages in time? No one knows the rhyme. The author of this poem, Christina Rossetti. Now I am explaining and you listen, please. How many seconds in a minute? 1 minute, how many means? कितने seconds होते हैं 1 minute में? 60 and no more in it. 60 से ज़्यादा नहीं. मैंने हाउ मैनी सेकेंड्स इन मिनट 60 मिनट. हाउ मैनी मिनट्स इन एन आवर? 1 मिनट्स में 1 घंटे में. आवर मीन्स घंटा. 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं फॉर सन एंड साउथ. हाउ मैनी आवर्स इन ए डे? इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स, घंटे होते हैं? 24 फॉर वर्क एंड प्ले. 24 आवर्स इन ए डे होते हैं फॉर वर्क एंड प्ले, आपको काम करने के लिए, खेलने के लिए. हाउ मैनी डेज इन ए वीक? हाउ मैनी डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं? देयर आर 7 बोथ टू हियर एंड स्पीक. 7 डेज इन ए वीक में. हाउ मैनी वीक्स इन ए मंथ? How many weeks is hafta, saptah. In a month, ek mahine mein 4. 4 weeks hote hain in a month. 4 as the swift moon runs. As the swift moon runs, mane moon. Moon ki running ke upar ye month hota hai. To isliye isko yahan bataya gaya hai ki there are 4 weeks इन ए मंथ एज द स्विफ्ट मून रन, मून के रनिंग के आधार पर. हाउ मैनी मंथ्स इन ए ईयर, कितने महीने होते हैं एक साल में? देयर आर 12. 12 द अलमांक मीन्स क्लियर. अलमांक में एक जो कैलेंडर होता है जिसमें पंचांग हम बोलते हैं उसको, अलमांक पंचांग सब रहता है, तो उसमें डे का नाम, तारीख, सूर्योदय कब होता है, चंद्रोदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, मैंने सारी चीज़ों की जानकारी उसमें दी रहती है. उसको हम हिंदी में बोलते हैं काल गणना. अलमांक मीन्स पंचांग. हाउ मैनी ईयर्स इन एज? एज मीन्स शताब्दी, 100 वर्षों का समय. उसमें कितने ईयर्स? 100. 100 सेज द सेज. सेज मीन्स बुद्धिमान लोग, जानकार लोग ऐसा बताते हैं. 100 मंथ्स होते हैं इन एज. हाउ मैनी एजेस इन टाइम? टाइम यानी कितने एजेज होते हैं? नो वन नोज द राइम, इसको कोई बता नहीं सकता. तो इस तरह से ये पोएट्री है. इसमें हमने देखा कि काल गणना हम कैसे करते हैं.
काल गणना, जैसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड है, मिनट है, फिर आवर्स है, फिर इसके बाद डेज है, डेज के बाद वीक है, वीक के बाद मंथ्स है, मंथ्स के बाद ईयर है, ईयर्स के बाद फिर एज है। तो इस तरह से काल गणना के लिए हम इन सभी इकाइयों को उपयोग करते हैं। तो ये पोएट्री आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, मैथ के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी। तो इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है कि हम कैसे काल गणना करते हैं। नाउ लुक हियर, हियर स्विफ्ट, रिवर्ब मीनिंग हियर स्विफ्ट, मूविंग क्विकली, जल्दी जल्दी मूव करना। जैसे चंद्रमा को यहाँ बताया गया है, चंद्रमा स्विफ्ट मून रन। अलमांग, ए बुक दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, फेज ऑफ द मून, द डेली टाइम ऑफ द राइजिंग, द सेटिंग ऑफ द सन, द मून, अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स। एंड अलमांग गिव्स दिस इंफॉर्मेशन फॉर द होल ईयर, मैंने पूरे वर्ष की जानकारी इसमें दी रहती है कालगणना कैलेंडर में। हम देखते हैं रंथ, रंथ ओल्ड फॉर्म ऑफ रंस, रंस से बना हुआ रंथ। सेज, सेज मैन वाइज मैन, बुद्धिमान लोग। फॉर्म द पेयर टू रीड द पोएम अलाउड, वन पर्सन रीड द क्वेश्चन द फर्स्ट लाइन इन ईच स्टैंडर्ड एंड द अदर वन रीड्स द आंसर। प्रैक्टिस डूइंग दिस, देन प्रेजेंट द पोएम इन ए पेयर, माने ये पोएट्री आपको पेयर में पढ़ना है। जैसे आप दो जन का पेयर बनाएंगे अपने साथी को साथ में लेकर के, फिर उसको एक स्टैंजा का एक एक लाइन पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंड्स इन ए मिनट। तो तुम्हारा साथी बोलेगा 60 एंड नो मोर इन इट। फिर आपको बोलना है हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर, दिस इज क्वेश्चन, 60 फॉर सन एंड सावर। या आपका फ्रेंड बोलेगा हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, दिस इज क्वेश्चन, 24 फॉर वर्क एंड प्ले। इस तरह से आपको पोएट्री रैंक करना, पढ़ना है, रीड करना। अब देखिए, लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स आर फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम, देन पुट ईच पेयर इनटू टू ग्रुप्स एज फॉलोज। राइमिंग पेयर्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, सेम स्पेलिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। तो वी सी हियर सेम स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। तो इसको हम सेम स्पेलिंग और डिफरेंट स्पेलिंग्स में राइमिंग वर्ड्स का क्लासिफाई करेंगे। ये पोएट्री क्या था, जैसे देखिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है मिनट्स इन इट। तो इसमें स्पेलिंग सेम नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ डिफरेंट स्पेलिंग, मिनट्स इन इट। सेकेंड है आवर, सावर, ये भी डिफरेंट है। यहाँ है डे, प्ले, इसमें देखिए ए वाई है, ये सेम स्पेलिंग्स में आएगा। वी स्पीक डिफरेंट स्पेलिंग्स में आएगा। मंथ्स रंस, इसमें भी टी एच है एन टी एच, तो ये सेम स्पेलिंग में आ सकता है। ईयर क्लियर, ई ए आर लास्ट में दिया है, तो लगभग सेम स्पेलिंग है, तो इसमें आ सकता है। एज सेज, ए जी ई, ये भी सेम स्पेलिंग। टाइम राइम, ठीक है। तो ये सब, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, आप इसको लिख सकते हैं। लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड विद टाइम फॉर द पोएम, टाइम से रिलेटेड जितने वर्ड आए हैं पोएम में वो आपको लिस्ट बनाना है, उसको लिखना है। जैसे टाइम से रिलेटेड वर्ड क्या है, मिनट्स,
एंड आवर सेकेंड सेकेंड मिनट आवर एंड वीक वीक है, मंथ्स है, डेज है और ये ईयर है, एज है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं हमको ये बताते हैं टाइम। लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड विद द टाइम फ्रॉम द पोएम। पोएम में टाइम से रिलेटेड वर्ड हैं, इसको आपको लिस्ट बनाना है। राइट अदर चेन ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चन एंड आंसर, यानी ये एक आपको क्वेश्चन बनाना है। हाउ मेनी मिलीग्राम्स इन ए डेसीग्राम, हाउ मेनी मिलीग्राम्स, कितने मिलीग्राम होते हैं इन ए डेसीग्राम। जैसे यहाँ डेसीग्राम देखिए आपको दिया हुआ है कि ये जो है यूनिट्स है, मीटर लीटर एंड ग्राम, ठीक है। तो ये यूनिट्स है, मीटर जो है वो लेंथ मापने का यूनिट है, लीटर लिक्विड नापने का है और ग्राम जो है ये वेट नापने का है। तो इस तरह से मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, या मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ग्राम में लेंगे मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो इस तरह से हम यूनिट्स को बाइफरकेट करते हैं कि हमको क्या मापना है, लंबाई मापना है, लिक्विड पदार्थ मापना है या हमको वजन मापना है ग्राम। हाउ मेनी मिलीग्राम्स इन ए डेसी ग्राम, अब जैसे मिलीग्राम यहाँ है, डेसी ग्राम यहाँ है, तो जो यूनिट्स का इसमें पूछा जाता है वहाँ पर वन लिखते हैं, वन, और बाकी सब जीरो कर देते हैं। यहाँ जीरो करेंगे और यहाँ जीरो करेंगे, कितना हो गया सौ। एक डेसी ग्राम में 100 मिलीग्राम होता है। तो देयर आर, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, देयर आर 100 मिलीग्राम्स इन ए डेसी ग्राम। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हाउ मेनी सेंटीग्राम इन डेसी ग्राम। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये कितना हो गया 10। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी सेंटीग्राम इन ए डेसीग्राम, कितना हुआ 10। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 0 लिखा, 10 हो गया। यहाँ लिखेंगे देयर आर 10 सेंटीग्राम इन ए डेसीग्राम। उसी तरह से हम मीटर में ग्राम में चेंज करके और इसको हम लिख सकते हैं। द पोएम कंटेन्स सम आइडोमेटिक पेयर्स टू वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज टूगेदर। ये पोएम में इस तरह से आइडम्स दिए हुए हैं, जैसे टू वर्ड्स को एंड लगा करके ऐड किया गया है, जिससे हम कहावत जिसको बोलते हैं सन एंड सावर, यानी धूप छाँव, वर्क एंड प्ले, काम करना और खेलना, हियर एंड स्पीक, सुनना बोलना। तो इस तरह से दो वर्ड को एंड लगा करके जोड़ा गया है जिससे आइटम्स बनते हैं। यहाँ पर दो कॉलम दिया गया है, कॉलम ए कॉलम बी। देयर आर सम वर्ड्स आर गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, यू ज्वाइन दीज वर्ड्स एडिंग एंड। जैसे डे नाइट, डे एंड नाइट, नाउ एंड देन, हियर एंड देयर, रीड एंड राइट, ब्रेड एंड बटर, अप एंड डाउन, हाई लो, लेफ्ट एंड राइट, लाइफ एंड डेथ, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, बैक एंड फोर, गिव एंड टेक, मेक एंड ब्रेक। ये लाइन कर लेंगे, मोर एंड लेस, सूनर एंड लेटर, ट्रायल एंड एरर, यस एंड नो, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, ब्लैक एंड वाइट। तो इस तरह से आपको बना करके आइटम्स लिखना है।
थैंक यू।